हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 20th October 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एसबीआई में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में 1.69% का नेगेटिव मूव, 576.15 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसे मूवमेंट रहने वाला है नेगेटिव या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाले, उसी बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम ये जो है वीकली का एनालाइज करें तो यहाँ पे ज्यादा कुछ जो है यहाँ पे हम डेली के बारे में कोई भी बात नहीं करें, सीधा बात करेंगे हम इस किस रेंज में हमें जो स्टॉक क्लोज होते हैं देखने मिल सकता है, क्या हमारा ओपिनियन पॉजिटिव साइड का या फिर नेगेटिव साइड है, उस बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए जाते हैं सबसे पहले सीधा हमारे वीकली के चार्ट पर, देखते हैं लास्ट वीक में स्टॉक ने किस तरह का परफॉर्म यहाँ पे किया है। तो ये रहा हमारा वीकली का चार्ट। वीकली के चार्ट पर आप देख सकते हैं एवरेज सा वॉल्यूम, स्मॉल साइज की जो बॉडी बनी नीचे के साइड में, बारीक से ऊपर के साइड में छोटी सी वीक हमें देखने मिल रही है। RSI हमारा आ चुका है 48-49 के आसपास, जो हमें एकदम ही न्यूट्रल यानी कि दोनों साइड का इशारा दे रहा है। इसके वजह से यहाँ पे मैं कई बार कहता हूँ चाहे RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, कई और सारे फैक्टर्स हो तो उसे भी कंसिडर करना चाहिए। ये रहा हमारा डेली का चार्ट। डेली के चार्ट पे वॉल्यूम जो है लास्ट फ्राइडे में जो है यहाँ पे हमें एक एवरेज से थोड़े ज्यादा हमें वॉल्यूम देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे स्मॉल साइज की बॉडी बनी है, ऊपर के साइड में थोड़ी सी बड़ी, नीचे की साइड में छोटी सी वीक देखने मिल रही है। RSI 41-42 के आसपास आ चुका है, जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मूवमेंट का इशारा देता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ RSI इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जो है जरूर यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस मार्क करके आपको जो है बता देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे जो भी मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग्स जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट अब यहाँ पे हमारी मार्किंग्स भी जो कम्प्लीट हो चुके, जूम करके मैं बात करता हूँ इसके क्लोजिंग की। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 576 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 574 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 581 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले इस वीक में, तो यहाँ पे आपको इस वीक में इस रेंज में जो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख लें, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता 567 का, उसके बाद 558 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता 586 का, उसके बाद 595 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताया है, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का यानी कि जो है इस वीक का जो है ट्रेड ले। मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव मूव का है, एक्सपेक्टेड है 581 से लेकर 586 के रेंज में हमें क्लोजिंग भी जो है इस वीक में देखने मिल सकती है। बाकी मोमेंटम यहाँ पे जो वॉल्यूम के साथ आपको वॉल्यूम भी अगर देखना है तो यहाँ पे 581 के ऊपर जो अगर वॉल्यूम आपको इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहा है इंट्राडे वाइज, तो यहाँ पे जरूर जो एक बड़ा अपसाइड मूव जो है हमें 595 तक भी आते हुए देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव क्लोजिंग मैं जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है यहाँ पे इस वीक में हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।